प्रदेश में ये हिंसा होने देखने को मिल रही है। विरोध प्रदर्शन बेहद हिंसक हो चुका है। हिंसा की आग में झुलस चुका है बांग्लादेश। बांग्लादेश हिंसा में अब तक 105 लोगों की मौत हो चुकी है। बांग्लादेश हिंसा में अब तक 3000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। जब हम आपको ये बता रहे हैं, ये जानकारी दे रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, बांग्लादेश में हिंसा रोकने के लिए सेना तैनात की गई है। सरकारी नौकरी में आरक्षण का दरअसल ये पूरा मामला है। इसके मुद्दे पर यह हिंसा भड़की हुई है और सेना के उतरने से भी हालात संभल नहीं रहे हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए जो जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं कि प्रदर्शनकारी छात्र सेना के काबू में भी नहीं आ रहे। पूरा बांग्लादेश में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है और हिंसा के मद्देनजर न्यूज चैनल्स का जो प्रसारण है वो भी बंद कर दिया गया है। बांग्लादेश में मोबाइल और इंटरनेट और रेल मेट्रो सेवाएं जो हैं वो भी बंद कर दी गई है। तो आप ये देखिए कि किस तरह के हालात जो हैं वो दरअसल बांग्लादेश में इस वक्त है। तीन तस्वीरों के जरिए हम आपको स्थिति यहाँ पर दिखा रखे हैं। छात्रों का जो हिंसक प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। छात्रों ने आगजनी की, तोड़फोड़ की, प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करते हुए उल्टा ये यहाँ पर नजर आ रहे हैं और ये किस तरह से हिंसक उग्र होता जा रहा है। बल्कि आपको बताएं कि कई जगहों पर किस तरह से जो ट्रेनें हैं वो रोक दी गई थी। यही कारण है कि एहतियातन अभी जो भी आवाजाही है, जो भी परिचालन है, वो बंद कर दिया गया है। जगह जगह पर आगजनी की जा रही है, बल्कि ये पहुंच जाते हैं जेल में, वहां से जो सैकड़ों के कैदी हैं उनको वहां से हटा देते हैं, भगा देते हैं। और एक दो की संख्या में नहीं, सौ की संख्या में नहीं, हजार की संख्या में नहीं, सैकड़ों कैदी। और ये देखिए कि किस तरह से जब वो सड़कों पर उतरते हैं, जब वो सड़कों पर आते हैं तो कैसी स्थिति इस वक्त हो जाती है। शेख हसीना के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ जो ये गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है। जिसके हाथ में पत्थर आ रहा है, पत्थर तो पत्थर से वो मार रहे हैं, कहीं वो आगजनी कर रहे हैं, मतलब जिससे जो समझ आ रहा है वहां पर अभी स्थिति कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से बांग्लादेश में गृह युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। और ये पहली बार नहीं है जब इस तरह से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हो या ये जो छात्र हैं वो इस तरह से सड़कों पर उतरे हों। ये सड़कों पर उपद्रव हम आपको दिखा रहे हैं। 2018 में भी अगर आपको बात करूं तो कुछ इसी तरह की स्थिति निकल कर सामने आई थी जब छात्र दरअसल सड़कों पर उतरे थे। और फिर उसके बाद 2019 में चुनाव से ठीक पहले भी इसी तरह की तस्वीरें बांग्लादेश से निकल कर सामने आई थी। ये देखिए ढाका में सड़कों पर किस तरह से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं आग लगा दी जा रही है, कहीं पत्थरबाजी, कहीं हथियार लेकर हाथों में लाठी डंडे लिए ये छात्र आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनका गुस्सा एकदम चरम पर है। मेरिट के आधार पर बात कर रहे हैं। वो आगे भी बताऊं कि मैं आगे, पहले तो आप तस्वीरें देखिए। तस्वीरें देखिए किस तरह से, कितनी तादाद में जो छात्र है वो इस वक्त यहाँ सड़कों पर उतरे हुए हैं। एक बार मैं चाहूंगी कि जरा आप एम्बियंस भी यहाँ पर सुनिए कि किस तरह की जोर शोर नारेबाजी हो रही है। सुनिए, तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है। अब दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि वहां आप देखिए कि किस तरह से कहीं कहीं पर तो छात्रों की डेड बॉडीज जो हैं उनको रखकर वहां पर जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। सेना को, ये देखिए, सेना की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया है। सड़क पर आप देखिए कि किस तरह से उपद्रव मचाते हुए ये छात्र यहाँ पर नजर आते हैं। ढाका में ये हिंसक प्रदर्शन जो कि और बढ़ते दिन के साथ हिंसक होता जा रहा है, सुनिए जरा। तो देखा आपने कि किस तरह की स्थिति दरअसल बांग्लादेश में इस वक्त हो रखी है। बांग्लादेश में ये हिंसा और छात्र जो हैं, भारतीय छात्र, वो लौट रहे हैं। बांग्लादेश के शिक्षण संस्थानों में ताले लटके हुए हैं, बंद कर दिए गए हैं वो शिक्षण संस्थान। विदेशी छात्र वापस लौट रहे हैं अपने घरों को, क्योंकि वो देखिए जिस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है, अपने अपने अभिभावकों से भी बात नहीं कर पा रहे, या जिनकी बात हो रही है उनके अभिभावक नहीं चाह रहे हैं कि इस वक्त वो बांग्लादेश में रहें। और भारत समेत कई देशों ने एडवाइजरी जारी की है। बांग्लादेश में हिंसा के बीच भारतीय कई लौटे भी हैं।
बांग्लादेश से 245 भारतीय, बल्कि यह आंकड़ा अब बढ़ गया है, 405 भारतीय जो हैं वो स्वदेश लौटे हैं। एडवाइजरी के बाद भारतीय छात्र लौट आए हैं और लगातार अभी भी अगर कुछ वहां पर छात्र रह गए हैं, लोग रह गए हैं, तो लगातार उनसे संपर्क में हैं, यहां पर नजर बनाए हुए हैं भारत भी लगातार, और उनसे संपर्क साधा जा रहा है, वो अधिकारी लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन कुछ और तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखाते हैं कि ढाका की सड़कें किस तरह से नजर आ रही है। आप ये देखिए, शिक्षण संस्थान जो है उनमें ताले लग गए हैं, ताले इसलिए लग गए हैं क्योंकि जो छात्र हैं वो दरअसल सड़क पर आ गए हैं। सरकारी नौकरी में आरक्षण को लेकर ये पूरा बवाल जो है वो मचा हुआ है। पहले ये आरक्षण 80% था, तो अब ये आरक्षण 56% हो गया है। कई तरह की मांग करते हुए ये छात्र जो हैं वो दरअसल नजर आ रहे हैं, नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, हाथों में झंडे, बैनर, पोस्टर, पत्थर, लाठी, डंडे सब लेकर ये सड़क पर उतरे हुए हैं। और देखिए कि पूरा किस तरीके से एक पूरा चेन बनाकर आगे बढ़ते जा रहे हैं, पूरी श्रृंखला सी बनाई हुई है और आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। नारेबाजी हो रही है शेख हसीना के खिलाफ, उनके उनके उनकी सरकार के खिलाफ, उनके उस फैसले के खिलाफ। और देखिए कोर्ट, ये जो विरोध की लहर है वो और ज्यादा कब बढ़ जाती है, जब कोर्ट द्वारा पिछले महीने 5 जून को फैसला सुनाया जाता है इस फैसले के खिलाफ। हालांकि अगर मैं बात करूं तो शेख हसीना द्वारा अपील की गई थी, लेकिन कोर्ट ने जो अपना पुराना फैसला है उसको बरकरार रखा, और उसके बाद और ज्यादा भड़क जाती है ये आग। क्या कहते हैं उसके बाद छात्र, ये भी सुनिए। हाँ, अभी बांग्लादेश से इंडिया आया हूँ, लेकिन मेरा घर इंडिया में है। वहाँ पर प्रोसेस अच्छा नहीं हो, क्योंकि वो क्या होते हैं, हमारे इंडिया में जो कोई प्रॉब्लम होता है उसका नेटवर्क, मोबाइल का नेटवर्क चला जाता है, ठीक है, ऑफिशियली नेटवर्क रहता है, वहाँ पर ऑफिशियली नेटवर्क भी टोटली बंद है, टोटली नेटवर्क नहीं है। और वहाँ का जो परिस्थिति है, ये क्या गाड़ी भाड़ा जो है ना रेंट, हाँ, जिसका रेंट है 200 रुपये, मैं अभी आया 1000 रुपये, 1000 रुपये दे के आए। इंडिया का गवर्नमेंट जो है वहाँ पर जो हम लोगों का सनातनी लोग है ना, उन लोगों को ज्यादा प्रोटेक्शन देने के लिए, बोलने के लिए अच्छा होगा, वहाँ पर बोल सकते हैं। तो हमें इंडियन एम्बेसी में से मैसेज भी आई थी, उन लोगों ने बोला था कि थोड़ा सा अनरेस्ट हो गया है बांग्लादेश में इस चीज़ को लेकर कि वहाँ का कुछ कोटा सिस्टम है एजुकेशन में, तो उनका किसी कोई ऐसा तबका है जिसका कोटा बढ़ा दिया गया था, तो उसको लेकर जो है एक टेंशन सा क्रिएट हो गया है। तो उसकी वजह से जो भी इंडियन स्टूडेंट्स है चाहे तो वहाँ भी रह सकते हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट तो वहाँ पर नहीं हो रहा है क्योंकि इंटरनेट बंद कर दिया है, तो हमें सेफर साइड पर लगा के घर चले जाते हैं इंडियन में, तो अभी तो फिलहाल कॉलेज वगैरह बंद कर दिए। अभी बहुत प्रॉब्लम में है देश, बहुत तकलीफ में है। कोई खबर ही नहीं है, नेट नहीं चल रहा है ना, इसलिए क्या चल रहा है देश में पता नहीं है। तो जिनकी बात पहले हो गई अपने अभिभावकों से, घरों में बात करना चाह रहे हैं, लेकिन अब तो नेट ही बंद कर दिया गया है, एक दूसरे की खैर खबर भी नहीं ले पा रहे हैं।